हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरलीधर कार सर्विस। तो आज ये ऑल्टो आई है, ये कल अलाइनमेंट के लिए आई थी। तो अब इसमें थोड़ा सा मेरे को प्ले जैसा लगा है, जैसे मैं स्टेरिंग को ऐसे करता हूँ तो आपको शायद सुनाई दे, तो आवाज़ आ रही है। एक तो ये नॉइस क्या बॉल जॉइंट में से है या स्टेयरिंग रैक में है, तो हम फाइंड आउट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तो हम इसका अलाइनमेंट 100% करेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इसके टायर खोलेंगे और देखेंगे कि दिक्कत कहाँ पे है। ओके गाइस, तो गाइस ये आपको नॉइस सुना है, ये कट 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 कट, वो तो ये जम्पर के बुशिंग की है, पर दूसरा एक थोड़ा सा वाइब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है इनर बॉल जॉइंट पे। तो पहले इसे खोलेंगे कि आउटर बॉल जॉइंट में दिक्कत है या इनर बॉल जॉइंट में दिक्कत है, क्या स्टेयरिंग रैक में प्ले ज़्यादा है, तो खोल के चेक करेंगे। ओके गाइस, तो इसमें ऑल्टो में नई रैंक ही डाल रहे हैं, क्योंकि ये रिपेयर कराएंगे तो भी कोई कॉस्टिंग अराउंड नई रैंक के आजू बाजू आ रहा था, तो फिर नई रैंक ही डाल रहे हैं इसमें। इसमें नई स्टेयरिंग रैंक डाल दी है, तो नई स्टेयरिंग रैंक डाली है तो इसमें अलाइनमेंट भी करना पड़ेगा, और इसमें स्टेयरिंग भी ज़्यादा आउट होगा, तो उस स्टेयरिंग को सेंटर कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये नई स्टेयरिंग रैंक डाल दी है तो स्टेयरिंग ज़्यादा आउट है, तो उसे सेंटर में कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, इस पे नई स्टेयरिंग रैक डाली है, फिर भी आप देख सकते हो अलाइनमेंट कितना रॉन्ग है, -1.27 degree और -1.32 degree। तो इसे आप करेक्ट करेंगे और किस तरह से करेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस ए नट को लूज़ करेंगे और ये जो इनर टायर रोड है इसे रोटेट करेंगे, तो सेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो अलाइनमेंट इसका करेक्ट हो चुका है, तो अब स्टेयरिंग एंगल कैसे सेट करें, स्टेयरिंग सेंटर में कैसे सेट करें ना, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी गाड़ी सीधी चल रही है पर स्टेयरिंग इतना क्रॉस है, तो मैंने स्टेयरिंग की नट खोल दी है, तो अब इसे कैसे सीधा करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी रोक दी, स्टेयरिंग की नट खोल दी और सीधा बिठा देंगे, तो अब हो गया सेंटर। ओके गाइस, तो ये स्टेयरिंग स्ट्रेट हो गया इसका। ओके